हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 11th का 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। कि थ्री डिजिट के नंबर कितने फॉर्म किए जा सकते हैं। डिजिट दी है हमें 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, एज्यूम करना है कि फर्स्ट कंडीशन दी हुई है कि जो नंबर्स की रिपीटेशन होगी वो अलाउड नहीं होगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला केस है उसमें हमें नंबर तो थ्री डिजिट का ही फॉर्म करना है, लेकिन हमारे पास टोटल नंबर जो थे वो हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास, टोटल जो नंबर थे वो हैं हमारे पास 5 नंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में बोला है रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी, तो हमें जो थ्री डिजिट नंबर बनाना है फर्स्ट, सेकेंड, थ्री। ठीक है, तीन डिजिट का ही नंबर बनाना है और रेपिटेशन अलाउड करी गई है। ठीक है, तो पहले वाले केस में हम जो फर्स्ट नंबर होगा इन पांच डिजिट्स को पांच तरीकों से हम जो हैं वो अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस के लिए हो गया 5। अभी सेकंड केस में भी इन पांचों नंबर को ही रिपीट कर सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन जो है अलाउ करी गई है। तो दूसरे केस में भी हमें इसके लिए भी क्या हो गया, 5 तरीकों से इसको भी हम अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं या 5 रख सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाले नंबर के लिए इसमें भी हमें रिपीटेशन अलाउड है, तो इसमें भी इन पांचों नंबर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी 5 तरीकों से इनको यूज़ किया जा सकता है। तो टोटल 5 5 25 25 5 125 इसके लिए हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, तो इसके लिए टोटल पॉसिबल बेस कितनी हो गई हैं, 125। तो 125 थ्री डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल। ठीक है, अब इसी का जो सेकंड केस था उसमें हमें बोला है कि रेपिटेशन जो है, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अगर रेपिटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है तब भी हमारे पास टोटल नंबर जो थे वो तो 5 ही हैं। टोटल नंबर्स जो थे वो 5 हैं। कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। यहाँ पर भी हमें 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है। पहले वाले इस वाले केस में हम इन पांचों नंबर से कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास पॉसिबल कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, पांचों को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट के लिए 5 पॉसिबल बेस होगी, मल्टीप्लाई। अब सेकंड नंबर के लिए अगर मान लिया पांचों में से एक नंबर यूज़ कर लिया तो जो नंबर कितने बच गए हैं, 4 बच गए। तो दूसरे केस में हम 4 नंबर्स को अरेंज, 4 इसके पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, थर्ड नंबर के लिए हम मान लिया 2 डिजिट्स हमारी यूज़ हो चुकी हैं, तो तीसरे के लिए हम कोई भी 3 नंबर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 3 डिजिट नंबर था, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट होगी 5, 4 जा 20, 23 जा 60। तो इस केस में हमें टोटल अरेंजमेंट जो वो 60 बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसमें बोला है हाउ मैनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। इसमें जो रेपिटेशन है वो अलो करी गई है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे पास टोटल डिजिट कितनी है, 6 डिजिट है। ठीक है, हमें जो नंबर फॉर्म करना है वो करना है इवन नंबर्स। ठीक है, और हमारे पास जो नंबर था वो 3 डिजिट नंबर था, 1, 10 और 100 3 डिजिट का। ठीक है, अब इवन नंबर तभी पॉसिबल हो सकता है अगर यूनिट प्लेस पे हमारे जहाँ तो 2 हो, या फिर 4 हो, या फिर 6 हो। अगर ये 3 नंबर यहाँ पे आते हैं तभी हमारी जो है वो इवन नंबर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें 3 केस बन सकते हैं। नंबर 1, फर्स्ट when 2 is at unit place। ठीक है, एक ये बन सकता है। सेकेंड बन सकता है कि when 4 is at unit place, या फिर थर्ड केस का बन सकता है when 6 is at unit place। ठीक है, तो हम यहाँ पे तीनों को ही कंबाइन करके ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन को करेंगे बाय फंडामेंटल
प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे थ्री डिजिट का नंबर अरेंज करना है, लेकिन इस पे हमारा जो है वो जहाँ तो टू होना चाहिए, जहाँ फोर होना चाहिए, सिक्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये जो पोजीशन थी ये फिक्स्ड है टू फोर और सिक्स के द्वारा, ठीक है। इन वाले प्लेस पे हम जो है डिजिट कोई भी यूज़ कर सकते हैं और रिपीटेशन जो है वो अलाउ करी गई है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे नंबर हमारे पास टोटल छः थे, तो छः तरीकों से हम इनको जो है वो अरेंजमेंट इनका कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे प्लेस पे रिपीटेशन अलाउ करी गई है, तो यहाँ पे भी इन छः में से छः कोई भी यूज़ करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ पे भी छः पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकते हैं। मल्टीप्लाई जो थर्ड वाला केस है इसमें ओनली थ्री नंबर्स ही यूज़ हो सकते हैं, या तो टू होगा जहाँ फोर होगा जहाँ सिक्स होगा, तो थर्ड वाले केस में थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो बनेंगे थ्री डिजिट के इवन नंबर बनाने के, तो वो कितना के सिक्स सिक्स जा 36 मल्टीप्लाई थ्री, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे थ्री सिक्स जा 18, वन कैरी थ्री थ्री जा 9, 108, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट जो होंगे वो कितने हो गए हैं यहाँ पे 108। तो यहाँ पे लिख सकते हैं थ्री डिजिट इवन नंबर पॉसिबल आर 108, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।